आज का अगर प्रश्न लें तो आज के प्रश्न पे हमको सिर्फ एक चीज समझ आती है। हम अभी कुछ दिन दो एक ही एक दो दिन पहले रात को हम अपने छतरपुर जिले के डॉक्टरों के साथ बैठे थे, लगभग 2.5 घंटे तक मंथन चला ज्ञान पर और विज्ञान पर। उन्होंने कहा कि किसी ने प्रश्न किया कि क्या भभूति से इलाज संभव है। हम कहा तुम भभूति से कह रहे, हमारे भारत में इस दुनिया में तो केवल स्मरण मात्र से इलाज संभव। जैसे एलोपैथी है, होम्योपैथी है, वैसे ही मंत्र भी एक पैथी है। एलोपैथी और होम्योपैथी जो दवा होती है, आयुर्वेदिक एलोपैथी होम्योपैथी, ये सभी आपस में अपने आप में महान है। लेकिन एक चीज है, ये कभी भी दूसरे का सपोर्ट नहीं करती। आयुर्वेदिक कभी भी होम्योपैथी का सपोर्ट नहीं करती या एलोपैथी का सपोर्ट नहीं करती, उल्टा बोलती। एलोपैथी वाले आयुर्वेदिक को उल्टा बोलते, पर दोनों अपनी अपनी जगह सही है। ना होम्योपैथी गलत है, ना आयुर्वेदिक गलत है, ना एलोपैथी गलत है, सब अपनी अपनी जगह सही भी है। अच्छा, अब एलोपैथी वाले बोले कि नहीं नहीं हम नहीं मानते हैं, आयुर्वेदक होती नहीं, तो उनके नाम कहने से भी आयुर्वेदिक है, अब वो अपना काम करती है। तो हम ये बात कहना चाहते हैं, इस संसार में कुछ भी झूठा नहीं है, सब कुछ अपने अपने अनुभव की बात है। जिसने जिसका अनुभव कर लिया उसके लिए वही सत्य हो जाता है। अब जिन्होंने परमात्मा का अनुभव नहीं किया उनके लिए परमात्मा नहीं है। जिन्होंने अनुभव कर लिया उनको तो गोस्वामी जी की पंक्ति पे ही परमात्मा है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र समाना, प्रेम प्रेगट हो ही में जाना। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भगवान कणकण में विराजमान है, हर जगह विराजमान है, और बात उनकी सही है। कोई अनुभव करे तो परमात्मा हर जगह है, बताओ वो कहां नहीं है। वह परमात्मा तो हर जहां दिखाई देता है। देखने की दृष्टि चाहिए तो अनुभव एक अद्भुत चीज है। अनुभव जिसको हो जाएगा उसी को प्राप्त होगा। अनुभव किया जा सकता पर दूसरों का अनुभव काम नहीं आता, सुना जा सकता, अनुभव खुद का ही काम आता है।